ये देखिए हमारे आलू के पकौड़े हो गया। तो अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग आपके खैर के साथ होंगे। आज हम आलू का भजिया बना रहे हैं, मतलब पकौड़ा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने आलू छिल के इसे ऐसे बारीक बारीक हमने काट लिया है। देखिए इतने इतने साइज में हमने काट लिया, एक एक इंच में, आधे आधे इंच में। ये देखिए हमने ना एक दो प्याली बेसन लिया है अपने हिसाब से आलू के। अब इसके अंदर हम कुछ ये मसाले डालेंगे, जिसके लिए हमने थोड़ा हल्दी डाला है पहले, ये थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाला, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी पीस के डाल सकते हैं, हमें रेड चाहिए तो हमने रेड डाल दिया है। ये थोड़ा हमने जीरा पाउडर डाल दिया है और ये थोड़ा सा हम अदरक लहसुन, यह हम एक टी स्पून गर्म मसाला डाल रहे हैं, यह हम थोड़ा चिकन मसाला डाल दे रहे हैं, आप चाहे तो कोई हम थोड़ा चाट मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं एक पूरा चम्मच। ये हम थोड़ा पानी करके इसको थिक घोल बनाएंगे, ज़्यादा हमें पतला भी नहीं चाहिए और गाढ़ा भी नहीं चाहिए। ये हम थोड़ा सोडा डाल रहे हैं जो हमारा थोड़ा फ्लॉपी होने में हेल्प करेगा। ये हमने थोड़ा सा पानी डाला घोल के लिए अच्छे से। ये देखिए हम आलू इसमें डीप करके अपना और इसके अंदर तेल में डायरेक्ट डीप फ्राई कर रहे हैं। देखिए हमारा तेल अच्छे से हमने गर्म किया है, अगर आप कम गर्म करेंगे तो आपका तेल बहुत सोखेगा, इसलिए हमने अच्छे से डीप गर्म किया है। देखिए हमारा भजिया एकदम पक के अपने आप ही ऊपर आ गया, मतलब ये हमारा पकौड़ा हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे आलू का पकौड़ा कितना अच्छा हो गया। तो आप लोग भी बनाएगा मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसा बना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।